बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये है गो टू स्टेटमेंट के हवाले से। तो ये एक अनकंडीशनल जो है वो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल जो है उसके लिए इस स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है। और गो टू ये भी एक कीवर्ड है, इसलिए इसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। तो गो टू स्टेटमेंट इज एन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल दैट इज यूज टू मूव द कंट्रोल फ्रॉम गो टू टू लेबल्ड स्टेटमेंट विद इन द सेम प्रोग्राम। कि आप एक तो इसके लिए है कि आपको सेम प्रोग्राम के अंदर इसको यूज करना होता है। उसी प्रोग्राम के अदर अगर आप एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कंट्रोल को मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम गो टू स्टेटमेंट यूज करते हैं। लेकिन वो कैसे मूव करेगी, कहाँ मूव करेगी, जहां पे हम उसका लेबल देंगे। कंट्रोल जैसे गो टू स्टेटमेंट को देखेगा तो वो अपने लेबल के पास मूव कर जाएगा। अब वो कैसे होता है वो सिंटैक्स में हम देखते हैं। यूज ऑफ द गो टू स्टेटमेंट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, बट इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्राम्स लॉजिक। इफ यू वॉन्टेड टू यूज इट देन यूज इट केयरफुली। When go to statement is encountered in a program, C program, then the control jumps directly to the labeled mentioned in the go to statement. के जो label है उसके पास चला जाएगा। Syntax देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे go to और जो हमने label name दिया है उसके पास हमने उसको move कर देना है। और इसमें obviously label name जो आप use करेंगे उसके दरमियान आप, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक variable होता है, तो इसके दरमियान space नहीं होनी चाहिए label name के दरमियान। अगर आप use करना चाहेंगे तो underscore आप use करेंगे। लास्ट पे सेमीकोलन है। गो टू स्टेटमेंट लेबल का नाम, जो भी आप नाम देखना चाहते हैं, नाम कौन सा रखा जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल, आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं और उसको आप वहां मूव, मतलब हम कहते हैं गो टू के, तो वो के जहां के पाएगा वहां। लेकिन मेक श्योर कि जो के आपने लेबल के तौर पर यूज किया उसको आप वेरिएबल के नाम के तौर पर, वैसे आप वेरिएबल के तौर पर यूज ना कर रहे हो। सो गो टू दैट पर्टिकुलर लेबल नेम और उसके बाद जितनी स्टेटमेंट्स यहाँ पर हैं वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो इनको सारों को छोड़कर, चाहे 100 लिखी हुई है, वो यहां से गो टू जंप करेगा जहां पे उसको ये मिलेगा लेबल नेम। सपोज करो लेबल का नेम जो है वो अर्क गुलाब है, तो हम यहां पे गो टू अर्क गुलाब, तो जहां अर्क गुलाब उसको मिलेगा वो वहां मूव कर जाएगा। नेम आपका कोई सा भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल। और इसमें आप देखें कि जहां लेबल आपने यूज करा है तो उसके बाद कॉलन आपने यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके सिंटेक्स का पार्ट है। और उसके बाद सी की जो स्टेटमेंट्स है वो उसके बाद एग्जीक्यूट होंगी एंड दैट्स वाइज। तो बाकी फ्लो चार्ट इसका हमने यहाँ शो नहीं किया हुआ। तो अब चलें जी, इसके बाद आ जाते हैं इसकी एक एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। सादा सा एक प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम को हमने वाइल से भी किया था, इसको हमने फॉर से भी किया है। अब हम देखते हैं कि क्या इसी प्रोग्राम को हम गो टू स्टेटमेंट के जरिए कर सकते हैं, सेम प्रोग्राम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीरीज को। तो इसको देखें हम कैसे करेंगे विदाउट यूजिंग लूप। तो ये एक फायदा भी है इसका। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ जाएंगे, मेन फंक्शन आ जाएगा। हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया नंबर के नाम से। नंबर आपके पास काउंटर वेरिएबल है यहाँ पे, या आप सादा वेरिएबल आप कह लें। अब इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे 1 से, ये इनिशियलाइज हो गया। और ये रिपीट के नाम से, ये जो रिपीट है ये हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ, हालांकि गो टू हमने बाद में यूज़ किए, मींस कि हम कंट्रोल को स्टार्ट पे मूव करेंगे फोर्सफुली। ये है लेबल का नाम रिपीट, ठीक है। और यहाँ पे कॉलन है, इससे से पता चल जाएगा कि ये जो रिपीट और कॉलन अगर आपने यूज़ किया हुआ है तो ये लेबल है। और गो टू स्टेटमेंट के बगैर इसका यूज़ करना कोई, मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं बनती, तो गो टू स्टेटमेंट के साथ ही इसको यूज़ किया जाता है। तो गो टू स्टेटमेंट से ये पहले आ सकता है, बाद में आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कंट्रोल को एक्चुअली मूव ऊपर करना चाह रहे हो या नीचे मूव करना चाह रहे हो। लेबल गो टू के बाद होगा तो वो नीचे मूव करेगा, अगर ये लेबल पहले होगा तो गो टू से कंट्रोल ऊपर अपवर्ड मूव करेगा। तो ये यहाँ से, यहाँ पर भी गो टू मिलेगी, ये ऊपर की जानिब एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर। तो अब इसमें आप देखें कि उसने एक वेरिएबल की वैल्यू तो ले ही ली है 1, तो अब ये रिपीट के ऊपर आएगा लेकिन गो टू के बाद। इसके बाद नीचे आता है जी वो प्रिंट एफ में, यहाँ पे नंबर है, नंबर की वैल्यू 1 है, तो वो 1 प्रिंट कर देगा और नई लाइन पे मूव कर जाएगा। उसके बाद नंबर की वैल्यू इंक्रीज करेगा, नंबर की वैल्यू 2 हो गई। अब वो चेक कर रहा है यहाँ पे कंडीशन के जरिए कि क्या नंबर की वैल्यू 10 से छोटी है, 10 है, तो ऑब्वियसली 2 जो है इज लेस देन 10, तो कंडीशन ट्रू है। तो अब इसके नीचे हमने लगा दिया कि गो टू रिपीट, अगर ये इससे छोटा है 10 से तो फिर रिपीट के पास चले जाओ, ठीक है, ये लेबल नेम है रिपीट। अब वो क्या करेगा, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा गेट स्केच के बाद, यहाँ से वो देखेगा रिपीट कहाँ पर है, वो यहाँ से जंप करेगा और ये आ जाएगा रिपीट के बाद। यहाँ से कंट्रोल फिर नीचे मूव करेगा, अब यहाँ फिर वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। तो ये आपके पास जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, मीन्स कि इस कंडीशन ने ट्रू होना है तो उसने इसको एग्जीक्यूट कर, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर इसको वो स्किप करेगा और उसके बाद वाले पे मूव कर जाएगा, ठीक है। इसको आप बॉडी में भी लिख सकते हो इसको, कि क्योंकि इफ कंडीशन के बाद इसको तो उसने तभी एग्जीक्यूट करना है जब कंडीशन ट्रू है। तो खैर
उसके बाद वन प्रिंट करेगा फिर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो जब ये खत्म हो जाएगा, यानी आप सपोज कर लें इलेवन वैल्यू इलेवन नॉट लेस देन नॉट इक्वल टू द कंडीशन फॉल्स होगी, इसको स्किप करेगा तो गेट सी एच पी प्रोग्राम रुक जाएगा। जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करते आउटपुट हम देख पाएंगे और आउटपुट आ जाएगा इस तरह करके, और उसके बाद आपका प्रोग्राम कर जाएगा टर्मिनेट। तो ये है एक यूज छोटा सा गो टू स्टेटमेंट का, तो जो कि अल्टरनेटिवली हमने यूज किया है एज अ लूप। बस ये थी वीडियो और ये लास्ट लेक्चर था 12वें चैप्टर का, इस हवाले से ये 12वां चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो उसको देखें, और डेटाबेस के कंप्लीट लेक्चर मौजूद हैं उसको भी आप देखें, और कमेंट्स में आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको मल्टीपीडिया की अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।